नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, और बड़ा झटका इसलिए इसे माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आपको याद होगा जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अंदर खाने चल रहे घमासान का तोड़ नहीं निकाल पा रही है। सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में किस मजबूती के साथ लड़ेगी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि एक और देश भर में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसे लेकर तो सियासत हो ही रही है लेकिन जब कांग्रेस पार्टी अंदर से टूट रही है, जब कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा निकालने से ज्यादा क्या कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर खाने झांकने की जरूरत नहीं है? जो गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर गोवा के प्रक्षेप में बात करें तो गोवा में यह नया मामला नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि जुलाई में भी विधायकों की बगावत के सुर तेज जरूर हुए थे, उस वक्त भी पार्टी ने एक्शन जरूर लिया था और बगावत को रोक लिया था, लेकिन गोवा का कांग्रेस का इतिहास यह बताता है कि गोवा में कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहा है और उसी की वानगी एक बार फिर से गोवा में देखने को मिली है। जो तस्वीरें गोवा से निकलकर सामने आ रही हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को लेकर के क्या संदेश लोगों के बीच में दे रही हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर के जरिए आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। बड़ी खबर के जरिए आप अपने स्क्रीन पर उन टैक्सेस के जरिए समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता गोवा में कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोवा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुल कांग्रेस के 11 विधायक गोवा में थे लेकिन अब उनमें से 8 बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ केवल 3 विधायक बचे हुए हैं। कौन कौन से वो नाम? दिगंबर कामत, वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो बीजेपी का दामन जिन नेताओं ने थाम लिया है, दिगंबर कामत का नाम उसमें शामिल है। माइकल लोबो जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा दलीला लोबो का नाम भी इन नेताओं में शुमार है और ये वो नाम भी हैं जो जुलाई में जिन नामों का जिक्र सामने आ रहा था, राजेश फलदेसाई, उनके अलावा केदार नाइक का नाम भी जुलाई में जब चर्चा 5 नेताओं के छोड़ने की हो रही थी तो ये नाम भी जरूर सुर्खियों में आए थे। इनके अलावा संकल्प अमोनकर का नाम भी उन नेताओं के लिस्ट में शामिल जिन्होंने हाथ का साथ गोवा में छोड़ दिया है। अलेक्सो सिकेरा ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और रुडोल्फ फर्नांडिस का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। समीकरणों पर भी नजर डाल लेते हैं एक एक करके कि गोवा के सियासी समीकरण किस तरह के हैं। सबसे पहले बात करें 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरह के सामने आए थे। एनडीए ने 25 सीटें जीती थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, बीजेपी के पास 20 सीटें थी, एमजीपी के पास 2 सीटें थी, निर्दलीय के पास 3 सीटें थी, यानी कि बीजेपी 40 विधानसभा सीटों वाली गोवा में 20 सीटें बनकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई थी और उन सहयोगियों की मदद से एनडीए की 25 सीटें वहां पर हो गई थी। वही बात यूपीए की करें तो यूपीए में कांग्रेस के 11 और जीएफपी का 1 विधायक चुनाव जीता था और 12 जो विधायक थे वो यूपीए के गोवा में थे, जिनमें से अब 8 ने जो है वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है, बच गए हैं केवल 4। अन्य की बात करें तो 3 अन्य पार्टियों ने भी वहां पर चुनाव जीता था। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, इसके अलावा आरजेपी के खाते में भी 1 सीट जरूर आई थी, लेकिन जिस तरह से अब बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, जिस तरह से बगावत देखने को मिली है, ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस अंदर खाने चल रहे गड़बड़झाले से कैसे पार पाएगी।
जुलाई 2022 में भी इसी तरह के बगावत के सुर उठे थे। गोवा में कांग्रेस के लिए बगावत की कहानी कोई नई नहीं है। 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा 2022 में भी थी, जुलाई के महीने में, जब खूब हो हल्ला भी सियासी गलियारों में होने लगा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक्टिवनेस दिखाई थी और उसके बाद उस बगावत को रोक लिया गया था, यानी कि आपस में ही कुछ गड़बड़झाले की वजह से बगावत अंजाम तक नहीं पहुंच पाई थी। और उस वक्त भी दिगंबर कामत, माइकल लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक और दलीला लोबो के बागी होने की चर्चा थी, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। और अब जब बीजेपी का दामन इन नेताओं ने थाम लिया है, इनके साथ में 3 और नेता शामिल हैं, तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं। वहीं उस दौरान कांग्रेस ने माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया था, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जरूर की गई थी। इससे पहले 2017 में कांग्रेस ने 17 सीट जीती थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी। 13 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी ने 2017 में सरकार बनाई थी, जिसके बाद कांग्रेस को लेकर के सवाल कई सारे खड़े जरूर होने शुरू हो गए थे। 2019 में 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे और बाद में 2 और विधायकों ने बगावत कर ली थी। तो कुल मिलाकर इतिहास कांग्रेस का गोवा में अच्छा नहीं रहा है और इसी की झलकी अब एक बार फिर से देखने को जरूर मिल रही है। और ये जो तस्वीरें हैं, जब प्रमोद सावंत से मिलने के लिए वो नेता पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर जरूर नजर आ रही होंगी। लेकिन सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर के खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विधायकों की बगावत देखने को मिल रही है, इस बगावत से कांग्रेस पार्टी कैसे पार पाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे में क्या कर सकती है, क्योंकि जिन नेताओं ने पार्टी का साथ गोवा में छोड़ा है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के नेता प्रतिपक्ष तक की बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके जो नेता हैं वो शामिल हैं, तो ऐसे में इसे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और जिस तरह से आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि एक और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, देश को जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में सवालों का जवाब तलाशना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। एक और कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता की आवाज सुनी जाएगी, जनता की आवाज को सुनने का काम किया जाएगा, जनता के मन में क्या है वो देश के सामने लाने की कोशिश की जाएगी, नेताओं के भाषण ज्यादा नहीं होंगे, जनता बोलती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी के नेता जो कहते हैं, क्या आलाकमान उस बात को सुनता है, और अगर आलाकमान सुनता है तो क्या मंथन भी करता है उस पर, सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह की टूट कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है, ऐसे में बिना सिपाहियों के कांग्रेस पार्टी लड़ाई कैसे लड़ेगी, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठाता हुआ नजर आता है। कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर जब विपक्ष एकता की बात विपक्ष लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये इस तरह से अपने संगठन में विस्तार करना चाहिए था कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हों। लेकिन जिस तरह से विपक्षी एकता की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नजरअंदाज जरूर किया जा रहा है और कई बार बात यूपीए मुक्त विपक्ष की भी होती है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एक और आप देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन जब आपके नेता ही आपका साथ नहीं देंगे तो फिर पार्टी का भविष्य अधर में लटका हुआ ही नजर आएगा। और कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत की कहानी कोई नई नहीं है। इससे पहले पंजाब में आपको याद होगा सुनील जाखड़ ने जब पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त उन्होंने कितनी अहम बातें कही थी, बड़ी बड़ी बातें करते हुए वो नजर आए थे और पार्टी के भविष्य को लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आए थे। उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त उन्होंने राहुल गांधी की भूमिका को लेकर के जिस तरह से सवाल उठाए थे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की जरूरत जरूर है। और उससे भी बड़ी बात, तब पार्टी ये नेता छोड़ रहे हैं जब अब जल्द ही कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव करेगी। अब अध्यक्ष पद के चुनाव जब होंगे कांग्रेस पार्टी में, चुनाव होंगे या चयन होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उस प्रक्रिया को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें बड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन दिक्कतों से पार कैसे पा सकती है, इस पर भी चर्चा होना
बेहद जरूरी है, क्योंकि सबको पता है कि दिक्कतें कांग्रेस पार्टी के सामने क्या हैं। और अगर आप भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की देखेंगे तो इससे क्या कांग्रेस पार्टी अपनी आगे की राह को आसान बना पाएगी? सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना रहा है उन राज्यों के विधानसभा चुनाव से, कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट जरूर कांग्रेस पार्टी का एक तरह से हो जाएगा कि पार्टी कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां आखिर कितनी बड़ी और कितनी अहम है। सबसे पहली बात अगर भारत जोड़ो यात्रा के फायदों को लेकर के की जाए तो जिस तरह से पार्टी में एक नया बूस्टर देने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इस तरह की बातें भी जरूर निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी खुद को रिलॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को जो बूस्टर चाहिए वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मिल पाएगा? क्योंकि अगर मिल पाएगा बूस्टर, नेता बीच में साथ छोड़ेंगे तो फिर उसमें संशय जरूर नजर आता है, लेकिन पार्टी को संगठन को मजबूत करने की जरूरत कहीं ना कहीं है। और केवल बात गोवा के लिहाज से ही हम नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत के दृष्टिकोण से कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। लेकिन अगर अब भारत जोड़ो यात्रा को क्या कांग्रेस की बगावत जिस तरह से गोवा में हुई है उससे जोड़कर देखा जाना सही है, ये सवाल भी बड़ा अहम हो जाता है। टाइमिंग जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने गोवा वाले उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ जो गोवा के विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या टाइमिंग जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की और विधायकों के छोड़ने की एक ही है, इसलिए यह सवाल उठ रहा है। क्योंकि अगर आप गोवा का इतिहास देखेंगे तो गोवा में बगावत पहले भी कांग्रेस पार्टी झेलती हुई नजर आई है, जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी की। तो मेरे लिहाज से जो मेरे व्यक्तिगत विचार है, मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की बगावत से, नेताओं की बगावत से जोड़कर देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से विरोधाभास पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है उसका समाधान कहीं ना कहीं निकालना होगा। जो सवाल पार्टी के नेता उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब पार्टी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर पार्टी ने उन सवालों का जवाब नहीं ढूंढा तो पार्टी के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होती हुई नजर आएगी। अब जब पार्टी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तीन अहम मुद्दे माने जा रहे हैं जिनको लेकर के पार्टी बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। 4 तारीख को आपने देखा था कि महारैली का आयोजन भी कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में किया गया था, जहां पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। लेकिन क्या विपक्ष कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हो पाएगा? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व कहीं ना कहीं इस सवाल के इर्द गिर्द घूमता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे इनमें से किसी एक चेहरे पर लड़ने के लिए राजी हो गया तो फिर कांग्रेस पार्टी जो अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है उसकी भूमिका क्या होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस करना होगा। जिस तरह से पार्टी का संगठन बिखर रहा है और यह स्थिति गोवा में आप आज देख रहे हैं, यह स्थिति अलग अलग राज्यों में समय समय पर देखने को मिलती है और ये खबरें लगातार सामने आती रहती हैं कि इन नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, दल बदल की सियासत जरूर देखने को मिलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसका तोड़ कहीं ना कहीं निकालना होगा, साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के अलावा जिम्मेदारियां पार्टी में नेताओं की तय करनी होंगी। क्योंकि अगर आलाकमान ही फैसले लेता रहेगा और आलाकमान के कहने पर ही सब कुछ होगा तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम बेहद घातक भी हो सकते हैं। लिहाजा नेताओं की जिम्मेदारियां तय होना बेहद जरूरी है। और अब जब 2024 की तैयारी पार्टी कर रही है तो क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी मोर्चाबंदी अलग अलग राज्यों में करेगी और इसके लिए अलग अलग नेताओं को दायित्व तो दिया जाएगा, ये भी नजरें इस पर भी रहेंगी कि कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सियासत कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो दल साथ आ रहे हैं उनके इर्द गिर्द घूमती हुई जरूर नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद कितना गेन कर पाएगी इस पर भी सवाल जरूर बना हुआ है, प्रश्न चिन्ह जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कुछ नए चेहरे, कुछ
नया देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीति में जब एक पार्टी का जनाधार गिरता हुआ नजर आता है तो ऐसे में विकल्प उभरते हुए नजर आते हैं, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे जोर शोर के साथ विधानसभा चुनाव के लिए दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी भी बड़ी मुसीबत बनती हुई जरूर नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 के चुनाव जब होंगे तो कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन उससे पहले गोवा से ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्या ये कांग्रेस तोड़ो जिस तरह से गोवा में देखने को मिला है क्या उस तरह से दूसरे राज्यों में भी 24 के चुनाव से पहले देखने को मिलेगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई अब नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोर-शोर की राजनीति करने के आरोप एक बार फिर से लगाए हैं, लेकिन सवाल वही कि आखिर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल क्यों नहीं पा रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।